हे हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभी स्क्रीन पे देखा कि कितने ज़्यादा मैसेज आए हुए हैं, कितने ज़्यादा कमेंट्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, री एग्ज़ाम से रिलेटेड। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इस रिज़ल्ट से नाखुश है। अगर हम कहें तो 50% से ज़्यादा बच्चे दोस्तों इस रिज़ल्ट से नाखुश दिख रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सरकार को, सीबीएसई को, स्कूल्स को ऐसा रिज़ल्ट नहीं बनाना चाहिए था। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं लिया तो रिज़ल्ट फेयर तरीके से तैयार करना चाहिए था। आपने इतना ज़्यादा टाइम लिया और टाइम लेने के बाद भी जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चे इससे अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं किया गया दोस्तों सीबीएसई की तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से। ये दोस्तों मेरी पर्सनल राय है, आपकी क्या राय कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आप सभी से कहा था कि मैं दोस्तों थोड़ी देर में आप सभी के लिए वो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आने वाला हूं, जिसके जो भी सवाल आपने मुझसे पूछे हैं उन सभी सवालों के जवाब देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा, जिससे आपके सारे डाउट्स दोस्तों क्लियर हो जाएं और आप रिलैक्स महसूस करें। खैर, रिलैक्स क्या महसूस करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत ख़राब आ गया है और जैसे रिजल्ट की उम्मीद थी वैसे नहीं आया। यदि हम एग्ज़ाम देते तो हम इससे सेटिस्फाई होते, विदाउट एग्ज़ाम दिए हमें जिस आधार पर नंबर दिए गए सही मायने में वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो क्लास 12th के हों चाहे क्लास 10th के हों। सीबीएसई को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने आप सभी से कहा था कि अगर हम सब एक होंगे, सभी क्लास 10th और क्लास 12th के सही बच्चे, तभी जाकर सीबीएसई का ध्यान हमारी तरफ जाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा दोस्तों। क्योंकि संख्या हमारी कम है, संख्या ज़्यादा होगी तभी हमें सपोर्ट मिल पाएगा आगे से और अन्य लोगों का भी। तो इस बारे में ज़रूर सोचना दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों सवाल लेते हैं, या हम सवाल नहीं लेंगे, सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि सीबीएसई ने अपने इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है रिजल्ट को लेकर, कितना अच्छा रिजल्ट तैयार किया सीबीएसई ने कहा है। तो देखते हैं, सीबीएसई ने कहा सबसे पहले दोस्तों कि कोई भी विद्यार्थी जो इस रिजल्ट से सहमत नहीं है उन्हें दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी जो मार्क्स दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से टेबुलेशन पॉलिसी यूज करके, अगर उसे सहमत नहीं है तो दोबारा उसे एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। अब वो सभी बच्चे री एग्ज़ाम में अपियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और री एग्ज़ाम सीबीएसई ने कह दिया कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच करवाए जाएंगे। सीबीएसई ने बताया है कि जो क्लास 10th का रिजल्ट का जो फार्मूला था दोस्तों तैयार करने का, उसमें उन्होंने कहा है कि यूनिट टेस्ट और जो पीरियोडिक टेस्ट थे उसके 10 नंबर थे अधिकतम, यानी 10 में से बच्चों के नंबर दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का जो नंबर ऐड किया गया था दोस्तों वो अधिकतम 30 अंक थे और प्री बोर्ड का अधिकतम 40 अंक थे। यानी टोटल मिलाकर देख लिया जाए तो 80 नंबर गए आपका यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड थे, और 80 में से सीबीएसई ने विद्यार्थियों के नंबर दिए। लेकिन दोस्तों मेरे पास हजारों मैसेज हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ स्क्रीनशॉट लेके कि 50% से ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारे प्री बोर्ड में, अर्धवार्षिक परीक्षा में और यूनिट टेस्ट में बहुत ही अच्छे नंबर से, बहुत से बच्चे ने मैसेज किया सर हमारे प्री बोर्ड में 96% नंबर थे, अर्धवार्षिक परीक्षा में 90% नंबर थे, बट हमें रिजल्ट में केवल 57% नंबर दिए गए हैं। ये सोचने की बात है दोस्तों, सीबीएसई ने इतना ज़्यादा टाइम लिया फिर भी रिजल्ट इतना ख़राब दिया गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो अब सीबीएसई ने दोस्तों रिजल्ट तैयार करने के लिए क्या कहा, उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। क्या कहा उन्होंने कि सीबीएसई का कहना है कि हमने एक अच्छी टीम बनाई, एक रिजल्ट कमेटी बनाई जो उसमें 8 मेंबर थे, एक ताकि रिजल्ट में पारदर्शिता लाई जा सके। तो मैं सीबीएसई से अगर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने रिजल्ट में पारदर्शिता लाई तो आपको बच्चों के जो मार्क्स हैं जिस आधार पर आपने दिया उसको जारी कर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ भाई हमें इस आधार पर मार्क्स नंबर दिए गए हैं, राइट। सीबीएसई ने कहा कि जिसमें 8 लोग थे, एक प्रिंसिपल था और 5 सब्जेक्ट टीचर थे। मान लो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस के 5 सब्जेक्ट टीचर, एक प्रिंसिपल, 2 एक्सटर्नल मेंबर मिलकर इस रिजल्ट को तैयार किया, यानी पूरी तरह से पारदर्शी तरीका अपनाया रिजल्ट को तैयार करने में। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी टीम बनाई गई, इतने अच्छे लोग बनाए गए, फिर भी रिजल्ट को किस आधार पर बनाया गया बिल्कुल भी समझ से परे है। अगर इतनी अच्छी टीम थी तो रिजल्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए था, क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं लिए, प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिए, बहुत से बच्चे ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए थे आप, क्योंकि कोविड का सिचुएशन था। ऐसे स्कूलों को किस आधार पर नंबर दिया गया ये बिल्कुल भी सीबीएसई ने अभी बताया नहीं कि जहां प्री बोर्ड नहीं हुए, क्योंकि बहुत से जगह पर तो दोस्तों प्री बोर्ड कराए नहीं गए। जैसे बिहार की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ तो प्री बोर्ड हुए नहीं थे, तो उनको किस आधार पर प्री बोर्ड में नंबर दिए गए बिल्कुल भी अभी सीबीएसई ने नहीं बताया, जिससे बिल्कुल सीबीएसई को बताना चाहिए। अब सीबीएसई ने कहा कि हमने जो टेबुलेशन पॉलिसी तैयार की थी
उसको जो है समझाने के लिए हमने एक वेबिनार यूट्यूब वेबिनार का आयोजन किया था, जिसे 90,000 लाइव टीचरों ने देखा था लाइव होकर और समझा था, ताकि टेबुलेशन पॉलिसी में रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। बहुत अच्छी बात है, आपने एक टेबुलेशन पॉलिसी बनाई बच्चों के पारदर्शिता के लिए, टीचरों को समझाया, लेकिन फिर भी टीचरों ने सही प्रकार से नंबर नहीं दिए। स्कूल से पूछने पर पता चलता है कि हमने अपने बच्चों को अच्छे नंबर दिए थे, सीबीएसई नंबर काट लिए, और स्कूल का कहना कि हमारे स्कूल्स का जो पिछले ईयर का प्रदर्शन था उस प्रदर्शन के आधार पर बच्चों को नंबर दिए गए। तो मैं सीबीएसई से बस यही पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ें पहले की जा चुकी हैं उन चीज़ों को अब क्यों लादा जा रहा है, यानी पिछले साल के बच्चों का व्यवहार, पिछले साल के स्कूल का जो प्रदर्शन था वो इस साल बिल्कुल भी लागू नहीं किया जाना चाहिए। सीबीएसई को मैं ये पर्सनली बोलना चाहता हूँ, इस पर सीबीएसई बिल्कुल ध्यान दे और एक नोटिफिकेशन निकाले कि वो क्या करेगी इस पर। दोस्तों सीबीएसई ने कह दिया एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो एग्ज़ाम तो ले, लेकिन इतनी जल्दी किस आधार पर एग्ज़ाम लिए जाएंगे बिल्कुल भी समझ से परे है। क्लियर होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों आप सभी के सवालों का। ये तो सीबीएसई था, अगर सीबीएसई ने इतना अच्छा क्राइटेरिया अपनाया, इतनी अच्छी टीम बनाई, टीम बनाने के बावजूद भी अगर वो सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए तो दोस्तों इसमें बच्चों की क्या गलती है, बच्चों के आपने क्यों खराब नंबर दिए? क्या बच्चे बस रिजल्ट को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, आप देख ही सकते हैं कि जब से कोरोना आया है ना तो पढ़ाई हुई ढंग से, ना ही एग्ज़ाम लिए गए, ना ही ढंग से रिजल्ट आया है। यानी सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो सही मायने में विद्यार्थी, जो युग विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वही सबसे ज़्यादा इस समस्या का सामना कर रहे हैं इस COVID-19 की वजह से। अब सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में कहा था कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच एग्जाम करवाए जाएंगे, बट अभी तक सीबीएसई ने ये नहीं कहा कि एग्जाम कब से होंगे, बस आपने कह दिया कि एग्जाम जो लिए जाएंगे उसकी डेट सी जल्दी जारी कर दी जाएगी, जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस इसी आधार पर हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, पहले एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महीनों भर से वेट करते रहे स्टूडेंट्स, अंत में आप आते हैं और एग्जाम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह रिजल्ट को लेकर हम वेट करते रहे और आप अचानक से आते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछता है कि हाँ रिजल्ट कैसे तैयार किया जा रहा है तो आप कहते हैं ठीक है हम 31 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। यानी आनन फानन में आपने रिजल्ट तैयार कर दिया और इसका खामियाजा बच्चे भुगत रहे हैं। दोस्तों सीबीएसई में आपसे पर्सनली कहना चाहता हूँ कि बच्चों को परेशान करना आप छोड़ें, क्योंकि यहाँ पर आपकी जल्दबाजी, आपकी गलती, स्कूल की गलती का खामियाजा हम जैसे छात्र क्यों भुगते हैं? क्योंकि हमारा उद्देश्य भुगतना है क्या, हम एक विद्यार्थी अगर गलती कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो अब दोस्तों मैं आप सभी के प्रश्न लेता हूँ, आपने जो जो भी प्रश्न मुझसे पूछे थे मैं उसकी पूरी पूरी आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। जो तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रश्न उठाना चाहते हैं, प्रश्न पहला है, वो प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश बच्चे जानना चाहते हैं सर जो सीबीएसई ने डिस्प्यूट सेटलमेंट पॉलिसी निर्धारित की है, क्या उस डिस्प्यूट सेटलमेंट पॉलिसी के आधार पर हमें बिना एग्ज़ाम दिए, क्या हम बिना पेपर दिए हमारे नंबर बढ़ा दिए जाएंगे? ये क्लास 12 और क्लास 10th दोनों बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए 30 जून को जो नोटिफिकेशन दिया था, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा था कि वो सभी बच्चे जो सीबीएसई द्वारा तैयार किए गए प्रक्रिया के आधार पर जो रिजल्ट तैयार किया गया है उससे खुश नहीं है, तो उनके लिए कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी चेक करेगी और कमेटी उन सभी बातों को सही पाती है जिससे आपका रिजल्ट बढ़ सकता है, तो इस पर कमेटी बात करेगी और रिजल्ट बढ़ाया जा सकता है। बट 2 अगस्त को जो सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए फाइनल नोटिफिकेशन निकाला उसमें इस सेटलमेंट पॉलिसी का, इस सेटलमेंट कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो सीबीएसई में से मैं विनती करता हूँ एक बार बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, ये सेटलमेंट कमेटी क्या है, क्या निर्धारित करेगी, क्या बिना एग्ज़ाम दिए बच्चों को पास कर दिया जाएगा, ये कर देगी अगर आप बच्चे ने अपना सभी प्रूफ दिखा दिया तो सीबीएसई को ये कंफर्म करना चाहिए। ठीक दोस्तों इसी तरह क्लास 10th के नोटिफिकेशन में जो आज 3 अगस्त को जारी किया गया है, तो सीबीएसई ने डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट शॉर्टली ए डिटेल प्रोसेस विल बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट इन केस दे आर हैविंग एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग देयर रिजल्ट प्रिपरेशन। तो सीबीएसई ने क्लास 10th वालों से भी कहा है यदि आपको अपने रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया से थोड़ी भी असमंजस है, आप थोड़ा भी इससे असहमत हैं, तो हम आपके लिए एक सेटलमेंट कमेटी का गठन करेंगे और इसकी सारी बातें जल्दी ही विद्यार्थियों को बता दी जाएंगी। अब जल्दी मतलब कब,
एग्ज़ाम होने के बाद बताया जाएगा, रिजल्ट आने के बाद बताया जाएगा या कब बताया जाएगा। आप क्यों ना कोई एक अच्छी सी क्राइटेरिया निकालें जिसमें सभी विद्यार्थियों को फेवर तरीके से, फेयर तरीके से नंबर दिया जा सके, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी ने एग्ज़ाम नहीं दिया। जब किसी भी विद्यार्थी ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो आप कैसे एक अनफेयर तरीके से रिजल्ट तैयार कर सकते हैं? क्या इसमें स्कूल की गलती है? यदि स्कूल की गलती है तो सीबीएसई को इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जल्दी ध्यान देना चाहिए, बहुत लेट ना हो जाए, क्योंकि लाखों विद्यार्थी डिप्रेशन में हैं। बहुत से विद्यार्थी तो इतने कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें समझाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं इस रिजल्ट के बाद जो आज आया है और क्लास ट्वेल्थ के रिजल्ट के बाद। अब यानी डिस्प्यूट जो कमेटी है दोस्तों, उसको लेकर सीबीएसई ने कोई फाइनल रिगार्डिंग तो नहीं दिए कि हाँ बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जो डिस्प्यूट कमेटी है वो कैसे काम करेगी। यदि डिस्प्यूट कमेटी आपके मानदंडों को सही पाती है, अगर आपका जो मार्क्स है, वो जो मार्क्स आपने प्री बोर्ड माध्यमिक परीक्षा और यूनिट टेस्ट में पाए हैं वो अच्छे हैं, तो क्या आपको नंबर बढ़ा दिए जाएंगे? इसको लेकर सीबीएसई ने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, बस कहा हाँ कि एक सेटलमेंट कमेटी बनाई जाएगी। तो दोस्तों सेटलमेंट कमेटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी को लेकर जितने भी आपके डाउट्स आए हो वो क्लियर हो चुके होंगे। सीबीएसई ने जरूर कहा है कि सेटलमेंट कमेटी बनाई जाएगी नंबर को जांचने के लिए, प्रक्रिया को जांचने के लिए, यदि आप सहमत हैं। बट सीबीएसई ने ये नहीं कहा कि कब बनाई जाएगी, क्या एग्जाम होने के बाद बनाई जाएगी या रिजल्ट आने से और एग्जाम आने से पहले बनाई जाएगी, ताकि बच्चे अपने आप को जांच सके या आकलन करवा सके और अपने नंबर को बढ़ा सके। ये सीबीएसई को जल्दी इसके बारे में कोई जानकारी देनी चाहिए, प्रेस रिलीज नोट निकालकर। अब दोस्तों अब बहुत सबसे बड़ा प्रश्न, इसके अलावा बहुत से बच्चे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या किसी एक सब्जेक्ट का री एग्जाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों किसी एक सब्जेक्ट का री एग्जाम देना का मतलब ये है कि आप अपने सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। यदि आप पास हैं और आपके नंबर किसी एक सब्जेक्ट में कम आए हैं तो आप नेक्स्ट ईयर, और हालांकि सीबीएसई ने कहा कि इसी साल एग्जाम दिए जा सकते हैं, तो आप एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों जिसमें आपके कम नंबर आए। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं जिसमें आपके कम नंबर, इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा उसे। यानी अब रिजल्ट इस साल आएगा या कब आएगा उसके बारे में सीबीएसई ने इसमें कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बच्चों का क्या है कि सर मेरी कंपार्टमेंट आई है दो सब्जेक्ट में, मैं क्या करूं? दो सब्जेक्ट में जिन भी बच्चों के कंपार्टमेंट आई है तो वो री एग्ज़ाम दे सकते हैं, कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं। वो चाहे तो दो सब्जेक्ट दें या पूरा जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट उसको एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीबीएसई ने हालांकि क्लास टेंथ के लिए जो सब्जेक्ट निकाले दोस्तों, उसमें अगर हम बात करें तो एसएसटी मेन सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, साइंस मेन सब्जेक्ट है आपका, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश हिंदी, ये जो चार सब्जेक्ट है आपके मेन सब्जेक्ट है, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम मेन सब्जेक्ट के लिए जाएंगे। तो ये क्लास टेंथ के लिए है, तो अब इन्हीं में से आप किसी भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। यानी जो मेन सब्जेक्ट के आप उसी में से एग्ज़ाम देंगे, किसी पर्टिकुलर का एग्ज़ाम नहीं देंगे। यानी जो सीबीएसई ने सब्जेक्ट निर्धारित किए 19 जो मेन सब्जेक्ट हैं उसी में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो दो सब्जेक्ट का हो चाहे चार सब्जेक्ट का हो। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न बहुत सारे बच्चों का ये है कि सर अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। ये मैंने वीडियो से इस पर बहुत सारे बना दिए दोस्तों। एग्ज़ाम का पैटर्न दोस्तों वही होगा जो आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने से पहले था। यानी जब हमारा कोरोना का काल नहीं आया, यानी कोविड-19 की सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं हुई थी, तो एग्ज़ाम होने वाले थे मई में। जो मई में एग्ज़ाम होते, जो आपका सीबीएसई ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सैम्पल पेपर दिया था कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे और वन वर्ड क्वेश्चन आएंगे, उसी पैटर्न पर आपका पेपर लिया जाएगा। यानी पेपर दोस्तों सब्जेक्टिव आधार पर लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? इसके अलावा बहुत से बच्चों का प्रश्न ये है कि क्या सर हमारे जो एग्ज़ाम है वो होम सेंटर होंगे या एग्ज़ाम बाहर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल नहीं है दोस्तों, कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सही हो रखी है। तो ऐसे में दोस्तों सीबीएसई ने कहा कि इट्स डिपेंड ऑन कोविड सिचुएशन, यदि कोविड सिचुएशन सही रहती है तो आपका जो एग्ज़ाम वो स्कूल से बाहर भी भेजा जा सकता है। अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होती है तो जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो स्कूल में भी हो सकते हैं, बट जो एग्ज़ामिनर होंगे दोस्तों वो बाहर के होंगे। यानी आपके एग्ज़ाम डिपेंड करता है सेंटर कि कोविड सिचुएशन कहाँ कैसी है। अगर आपके स्टेट में ज़्यादा कोविड ज़्यादा फैला हुआ है तो आपके स्टेट में एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, किसी और स्टेट में एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है। ऐसा सीबीएसई ने कहा कि जो हमारे एग्ज़ाम सेंटर वो देश विदेश में पूरे भारत में कहीं भी लिए जा सकते हैं, ऐसे सीबीएसई अपने नोटिफिकेशन में लिखा है जो 2 अगस्त को जारी किया गया था। क्लियर हो गया दोस्तों? ये भी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस क्या होगा।
तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, सिलेबस वही होगा जो आपका एग्जाम कैंसिल होने से पहले सिलेबस था, यानी 30% की कटौती की जाएगी, चाहे वो क्लास 12th का हो चाहे क्लास 10th को, ठीक उसी प्रकार से सिलेबस इसमें भी होंगे। यानी कोई नया सिलेबस नहीं, जो आप सिलेबस पहले से पढ़ रहे आ रहे थे 2021 में जो एग्जाम होने वाला था बट एग्जाम नहीं हुआ, उसी सिलेबस के आधार पर आपके एग्जाम लिए जाएंगे। अब जब जो बच्चों का और एक सवाल है दोस्तों कि क्या सर अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद यदि हमारे नंबर ख़राब आ जाते हैं तो क्या हमें जो हमारे अभी के नंबर है वही ऐड होंगे या ख़राब नंबर ऐड होंगे? तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, यदि आप री एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं या कंपार्टमेंट दे रहे हैं तो आपके रिजल्ट आने के बाद, कंपार्टमेंट के रिजल्ट आने के बाद, री एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के बाद, इम्प्रूवमेंट के रिजल्ट आने के बाद वही नंबर ऐड होगा जो आपने एग्ज़ाम दिए हैं। अभी जो रिजल्ट आ चुके हैं आज 3 अगस्त को, वो नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे, याद रखना दोस्तों। इसलिए अगर आपको एग्जाम देना है तो इसको सोच लेना। खैर एग्जाम देना ही क्यों दोस्तों, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। अगर सीबीएसई सही मायनों में एक फेयर तरीके से रिजल्ट घोषित करना चाहती है तो सभी बच्चों के बारे में एक बार जरूर सोचे और एक अच्छा रिजल्ट दोबारा से जारी करे, ये मेरी विनती है सीबीएसई से, क्योंकि स्कूल्स की गलती का खामियाजा हमारे बच्चे विद्यार्थी क्यों भरे। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कि बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा जो प्री बोर्ड में 90% मार्क्स हैं, माध्यमिक परीक्षा में 70-80% मार्क्स हैं, बट अभी जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत कम नंबर देंगे, 57% नंबर देंगे, तो हमारा क्या होगा? तो दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इसी के लिए जो है सीबीएसई ने डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी गठन करने की बात में कही। अगर आपकी सारी बातें सही हैं और सीबीएसई इसको सही पाती है तो इसके लिए कुछ जरूर किया जाएगा जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं, बट सीबीएसई ने इसमें वादा नहीं किया दोस्तों कि कब कमेटी का गठन किया जाए, किस आधार पर किया जाए, कैसे किया जाएगा, बस लिखा हुआ है। तो बेहतर यही होगा दोस्तों कि आप री एग्जाम दे, यदि आप देना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, इतने कम समय में आप री एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि सीबीएसई को खुद सोचना चाहिए। 15 दिन में पूरे सिलेबस की तैयारी कोई भी नहीं कर सकता। पिछले 1-2 महीने से विद्यार्थी वैसे ही परेशान, उनका दिमाग वैसे ही नहीं काम कर पा रहा है इसी तरह के आधार पर जो नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सर क्या 4 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल, आप अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप जो सीबीएसई मेन पेपर है उस मेन पेपर का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें 4 सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकती हैं। ठीक है, ये भी सर अब क्वेश्चन अगला लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सर मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ पर तैयारी कैसे करूँ? तो दोस्तों यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं और तैयारी कैसे करें आपको नहीं पता है तो दोस्तों हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पे क्लास 10th, क्लास 12th और क्लास 11th की जो आप तैयारी हम करा रहे हैं, और दोस्तों इस चैनल पर हम केवल आर्ट्स के स्टूडेंट्स और क्लास 10th के जो SST है और वो ही सब्जेक्ट हम कराएंगे। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो हमारे चैनल में सारी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। यानी अगर हम 8 सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, SST की बात करें तो राजनीतिक विज्ञान, जितने समझ चीज़ें वो सारी हम कराएंगे। बट दोस्तों आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस में दोस्तों जो मेन मेन टॉपिक है उन्हें आप एक पेज पर लिखिए और उसी पर फोकस कीजिए ताकि आप अच्छे समय से पास हो सकें। पास होने का तरीका आपको पहले पता था बट इतने ज़्यादा हम कन्फ्यूजन में हैं कि तैयारी करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा तो वो एकाग्रता नहीं है भाई। और मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी 100% इस समय नहीं दे सकता है, तो दोस्तों एग्ज़ाम देना एक प्रकार दोस्तों घातक भरा नतीजा हो सकता है, बट आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने में सक्षम हैं और आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हैं तो ही एग्ज़ाम दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो एग्ज़ाम ना दें। सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पड़ेगा? हमारा एग्ज़ाम से हमारे यहाँ तो जो है एग्ज़ाम सेंटर अक्टूबर तक बंद है। दोस्तों बहुत एक दो बच्चों के मैसेज आया था कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, हम एग्ज़ाम कैसे देंगे, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं बट हमारे यहाँ पर तो एग्ज़ाम सेंटर जो है अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं, वो खुलेंगे नहीं। तो दोस्तों ऐसे में सीबीएसई आपको एलोकेट करेगी आप कहाँ एग्ज़ाम देंगे, बस एक नोटिफिकेशन तैयार करें कि सीबीएसई कहाँ कहाँ और कैसे कैसे एग्ज़ाम का एलोकेशन करती है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में सीबीएसई का। अगला दोस्तों प्रश्न ये है कि सर हम क्या स्कूलों के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों देखो, स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुद्दा तभी होगा जब आप लोग इकट्ठा हो गए। जिस भी स्कूल ने आपके साथ धोखा किया है या भेदभावपूर्ण नीति का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है उसके खिलाफ आप एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं, बट आपको एकजुट होना होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्लास 12th के और क्लास 10th के जो पत्राचार कंपार्टमेंट और जो भी विद्यार्थी थे उनके सीबीएसई ने बिल्कुल भी नहीं सुनी, उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनके तो एग्ज़ाम कैंसिल भी नहीं हुए थे, राइट? अब दोस्तों
प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात करें तो प्राइवेट कैंडिडेट्स जो प्रश्न पूछ रहे थे कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, दोस्तों तो आपका सिलेबस वैसा ही होगा जैसा पहले था, यानी सिलेबस में वही कटौती की गई थी जो पहले की गई थी, यानी जो सीबीएसई ने सिलेबस आप सभी को दिए थे। एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत से बच्चे पूछ रहे एग्ज़ाम हार्ड होगा ईजी होगा, तो दोस्तों एग्ज़ाम जो है ईजी भी होगा, मॉडरेट भी होगा और हार्ड भी होगा, तो पहले जैसे क्वेश्चन आ रहे थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। आई होप मैंने आप सभी के प्रश्नों का सारा जवाब देने में सक्षम हो पाया हूँ। अगर हो पाए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर जरूर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हमारा एक नया चैनल है द नॉलेज टेबल, उसे भी सब्सक्राइब कर दोस्तों। आप सभी का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपका साथ देने के लिए, बस सच बताऊँ तो मेरे पास इतनी संख्या बल में आप नहीं है कि मैं मेरी बात सीबीएसई तक पहुँच सके। मैं कल या परसों जरूर कोशिश करूँगा कि एक बार सीबीएसई ऑफिस जाऊँ और आप सभी के लिए वहां पर आवाज उठाऊं, जो भी मुझसे बन सकता है। दोस्तों मैं भी सोच रहा हूं एक आरटीआई डालूं जिसमें मैं स्कूलों से पूछ सकूं कि आपने नंबर किस आधार पर दिए हैं, किसको किसने किसको कितने नंबर दिए गए हैं। आप भी आरटीआई डाल सकते हैं दोस्तों, अगर हम संख्या बल में ज्यादा होंगे तभी हमारे लिए कुछ सुनवाई होगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आप सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, और मुझे आपने जितना प्यार दिया दोस्तों मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। इसी तरह प्यार करते रहिए दोस्तों, प्यार देते रहिए, ताकि मैं आप सभी के लिए तत्परता से लगकर आपको वो सारे काम कर सकूं जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं वो उसमें सफल हो पाऊँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।